नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र गोचर के ऊपर बात करेंगे तथा बृहस्पति ग्रह का यह नक्षत्र गोचर प्रत्येक राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपके तारा चक्र में यह किस प्रकार से फलित होगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बृहस्पति का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर किस प्रकार का फल देगा, उसके ऊपर मैंने बात किया था। तो बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर में आगे बढ़ते हुए अब धनिष्ठा नक्षत्र को छोड़कर सतभिषा नक्षत्र में इंटर कर रहे हैं। 22 मई 2021 को बृहस्पति ग्रह सतभिषा नक्षत्र में इंटर करेंगे तथा 20 जुलाई 2021 तक सतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। इस बीच में बृहस्पति ग्रह अपने वक्री चाल को भी चलने वाले हैं। 20 से 21 जून के मध्य बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर पुनः पीछे की ओर चलने लगेंगे। और बृहस्पति ग्रह चूंकि सबसे बड़े प्लैनेट हैं, ज्योतिष शास्त्र में कई सारे बड़े चीज़ों के कारक ग्रह माने गए हैं और मुख्यतः यह एक शुभ ग्रह है। सभी प्रकार के शुभ चीज़ों के कारक ग्रह हैं, आपका फाइनेंस, आपका वैवाहिक जीवन, आपका शिक्षा दीक्षा अर्जन तथा आपके संतान और भी कई सारे चीज़ों के कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह माने गए हैं। तो बृहस्पति का सतभिषा नक्षत्र में इंटर होना और सतभिषा नक्षत्र में ही वक्री हो जाना बहुत लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव क्रिएट करने वाला है और विशेष तौर पे उनके जीवन में जिनके जीवन में वर्तमान में बृहस्पति की किसी भी प्रकार की दशा चल रही है। तो पहले हम सूक्ष्म रूप से बात करते हैं बृहस्पति सतभिषा नक्षत्र में किस प्रकार का फल देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक नक्षत्र के लिए बृहस्पति ग्रह किस तारा में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में तारा चक्र का बहुत ही सटीक कंसेप्ट बतलाया गया है और उससे हम किसी भी ग्रह के गोचर को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यह नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, ना ही राशि के ऊपर। क्योंकि जब भी बृहस्पति किसी राशि में गोचर करते हैं तो हम उसका राशिफल देखते हैं कि किसी विशेष राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का किस प्रकार का फल होगा, लेकिन उस विशेष राशि में भी अप्स एंड डाउन रहते हैं फल में। उसका रीज़न है क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति ग्रह हर नक्षत्र में सेम फल प्रदान करेंगे। जिस प्रकार का तारा चक्र में बृहस्पति रहेंगे उस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। तो इस विषय में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी हम पहले समझते हैं बृहस्पति का सतभिषा नक्षत्र में गोचर किस प्रकार का प्रभाव देता है। तो मैं आपको बता दूं, बृहस्पति जो है अभी वर्तमान में कुंभ राशि में है, कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और सतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह है, अर्थात कि यह नक्षत्र पूर्ण रूप से शनि और राहु से प्रभावित है। और वर्तमान में जब राहु और शनि का गोचर देखते हैं, शनि ग्रह अपने स्वराशि मकर राशि में स्थित है अर्थात बलि है और राहु ग्रह भी अपने उच्च की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दो पाप ग्रह से प्रभावित क्षेत्र में बृहस्पति इंटर करने वाले हैं और वह दोनों ही पाप ग्रह आकाशमंडल में बलि हैं। तो जब तक बृहस्पति सतभिषा नक्षत्र में है, आपको बहुत ही अधिक सोच समझकर किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेना चाहिए और यह सभी के लिए है, पूरे समाज के लिए, पूरे जनजाति के लिए। बृहस्पति बहुत अधिक शुभ नहीं माने गए हैं सतभिषा नक्षत्र में, लेकिन इसके कुछ शुभ फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति सतभिषा नक्षत्र में इंटर करते ही आपको उस प्रकार के विजडम प्रदान करेंगे जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार पाएँ, क्योंकि सतभिषा नक्षत्र बहुत ही डीप मिस्टिकल थिंग है, बिल्कुल अंडरग्राउंड, जो कि दूसरों से छिपा हुआ चीज़ है। तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको विजडम की प्राप्ति होगी। और यदि आपने अपने कुंडली में राहु के ऊपर वर्कआउट कर लिया है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बृहस्पति आपको बहुत ही मिस्टिकल और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल प्रदान कर सकते हैं सतभिषा नक्षत्र में। और विशेष तौर पर जब तक बृहस्पति
अपने नॉर्मल चाल में है, अर्थात 22 मई से 21 जून तक बृहस्पति ग्रह नॉर्मल है और फिर वक्री हो जाएंगे 21 जून के बाद। लेकिन आपको अपनी कुंडली में यह विशेष ध्यान देना होगा कि बृहस्पति ग्रह किन किन भावों के स्वामी हैं और उन भावों से रिलेटेड आपको लॉसेस दे सकते हैं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति से द्वादश स्थान में शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति शनि की ही राशि में स्थित हैं। तो दोस्तों, यह तो बृहस्पति का सद्भिषा नक्षत्र में फल हुआ। अब हम तारा चक्र के ऊपर बात करते हैं। पहले लघु रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं यह तारा चक्र क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ताराएं मानी गई हैं। इसे मैं लाइन से बोलूंगा, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, वध तारा, मैत्री तारा और अति मैत्री तारा। तो यह 9 ताराएं हैं। अब इस 9 ताराओं का विभाजन आपके जन्म के नक्षत्र के हिसाब से किया जाता है, अर्थात कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है उस नक्षत्र को जन्म तारा में रखा जाता है। उसके बाद सीक्वेंस वाइज जो मैंने बोला जन्म, संपत, विपत, इस प्रकार से उसके जस्ट बाद वाले नक्षत्र को तारा प्रदान किया जाता है। अब इसे छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी नक्षत्र जन्म तारा हो जाएगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र आता है तो भरणी नक्षत्र आपका संपत तारा हो जाएगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र विपत तारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मैंने 9 तारा बोला वह लाइन से नक्षत्र वाइज विभाजित होगा और जैसे ही अति मित्र तारा आएगा उसके बाद पुनः जन्म तारा प्रारंभ हो जाता है। तो यह लघु रूप से मैंने आपको समझाया। तारा चक्र के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप तारा चक्र सारणी के ऊपर पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तारा के माध्यम से हम यह समझेंगे कि आपको किस प्रकार का फल मिलेगा। आप जिस भी नक्षत्र के हैं पहले आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से नक्षत्र में स्थित हैं और उस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं उस आधार पर मैं आपको फल बतला रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूर्ण देखें और अपने फल को समझें। अब मान लीजिए आपका जन्म का नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, अर्थात कि अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र यदि आपका जन्म का नक्षत्र है तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। इससे जस्ट पहले जो धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति गोचर कर रहे थे वह प्रत्यरि तारा में थे। प्रत्यरि तारा एक अशुभ तारा माना जाता है, दुश्मनी को क्रिएट करता है और यह जो साधक तारा है यह जीवन में सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो बृहस्पति के सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपको सोचे हुए कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी तथा आपके जीवन में अवश्य ही किसी न किसी रूप से मंगल कार्य होंगे। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में चंद्रमा शुक्र ग्रह के नक्षत्र में स्थित हैं, शुक्र ग्रह का नक्षत्र है भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व साढ़ा, यदि इन 3 नक्षत्र में से कोई भी आपका नक्षत्र है तो आपके लिए बृहस्पति प्रत्यरि तारा में गोचर कर रहे हैं और प्रत्यरि तारा एक अशुभ तारा माना जाता है। प्रत्यरि तारा के कारण जातक के जीवन में दुश्मनी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। जिस भी भाव के स्वामी होंगे बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में उन भावों से रिलेटेड, उन भावों के कारक तत्व से रिलेटेड जीवन में एक प्रकार का दुश्मनी की स्थिति उत्पन्न होती है, एक प्रकार का हिंड्रेंस उत्पन्न होता है जिसे हम शत्रु कहते हैं। इसी प्रकार यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, अर्थात कि कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर साढ़ा नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र है तो आपके लिए बृहस्पति क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। क्षेम तारा का यह गोचर आपके जीवन में खुशियों को भर देने वाला होगा। आप इस अवधि में अंतःकरण से खुश होने वाले हैं, आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। जिस भी भावों के स्वामी बृहस्पति हैं तथा आपकी कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको खुशियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, अर्थात रोहिणी, हस्त या फिर श्रवण नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र आपका जन्म का है तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह विपत तारा में गोचर कर रहे हैं और विपत नाम से ही समझ में आता है कि यह जीवन में
विपत्तियों को क्रिएट करने वाला होता है। और किस प्रकार की विपत्ति आ सकती है, तो जिस भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं तथा आपकी कुंडली में जिस भाव में है और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, इन भाव से संबंधित आपको जीवन में विपत्तियाँ उत्पन्न होंगी और आपको संघर्ष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, अर्थात कि मृगशिरा चित्रा या फिर धनिष्ठा नक्षत्र है, तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह संपत तारा में गोचर कर रहे हैं और यह संपत तारा बहुत ही शुभ तारा माना गया है, यह संपत्ति को दर्शाने वाला है। तो इस अवधि में आपके जीवन में संपत्ति का अर्जन होगा। अब संपत्ति कई प्रकार की होती है, कुछ टेंजेबल कुछ नॉन टेंजेबल, अर्थात कि किसी चीज़ किसी वस्तु को हम जो छू सकते हैं, या फिर कोई ऐसे वैल्यू होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वह भी हमारे जीवन में एक प्रकार का संपत्ति होता है। तो जिस भी भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं तथा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस भाव के स्वामी हैं तथा आपकी कुंडली में जिस भाव में हैं, उन भाव से रिलेटेड आपको संपत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अर्थात कि आर्द्रा स्वाति या फिर सतभिषा नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र है, तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति का जन्म तारा में गोचर कुछ अमंगलकारी फल को प्रदान करने वाला होगा तथा नए नए कार्य का सृजन होगा जिससे आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न होगा। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी भाव के स्वामी हैं तथा जिस भाव में स्थित हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड आपको जन्म तारा का फल प्राप्त होगा तथा उससे संबंधित कुछ अमंगलकारी फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, जो कि पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद है, यदि इन तीन नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र है, तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह अति मित्र तारा में गोचर कर रहे हैं और सबसे बेस्ट गोचर जो होगा यह बृहस्पति वाले नक्षत्र के लिए होने वाला है, क्योंकि इसके जस्ट पिछले नक्षत्र में जो बृहस्पति गोचर किए थे तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह मित्र तारा में थे और इस बार पुनः अति मित्र तारा में जा रहे हैं। तो जिस प्रकार का शुभ फल आपको प्राप्त हो रहा था, उसका दो गुना अधिक शुभ फल अब आपको प्राप्त होने लग जाएगा जैसे ही बृहस्पति सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अपने स्वजनों से लाभ होगा, अपने मित्र अपने स्पाउस से अपने फैमिली अपने चिल्ड्रन से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा और सपोर्ट सिस्टम प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को बहुत ही सुगमता से निपटा पाएं। इसी प्रकार यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि का कोई भी नक्षत्र है, जो कि पुष्य अनुराधा या फिर उत्तरा भाद्रपद, इन तीन में से कोई भी नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में स्थित हैं, तो फिर आपके लिए बृहस्पति ग्रह मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं और मैत्री तारा भी एक शुभ तारा माना गया है। इस समय जातक को अपने समाज से अपने कर्म स्थान से अपने फैमिली से अच्छा लाभ होता है। यदि किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन है, तो वह सभी चीज़ें दूर होती हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस भी भाव के स्वामी हैं बृहस्पति ग्रह तथा आपकी कुंडली में जिस भाव में हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड आपको मैत्री तारा का फल प्राप्त होगा और बृहस्पति की कृपा से उन भावों में जो हिंड्रेंस है और उन भावों में जो शत्रुता है, वो सभी चीज़ें दूर होने वाली हैं। अब हम अंतिम नक्षत्रों के ऊपर बात करते हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। आपके जन्म के समय यदि चंद्रमा बुध के किसी भी नक्षत्र में है, जो कि अश्लेषा ज्येष्ठा या फिर रेवती नक्षत्र है, इन तीन नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र है, तो बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में वध तारा में गोचर कर रहे हैं और यह वध तारा सर्वाधिक अशुभ तारा माना गया है। आपके लिए बृहस्पति ग्रह वध जैसे परिणाम उत्पन्न करेंगे। वध का अर्थ होता है निधन या फिर मृत्यु। जिस भी भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं तथा आपकी कुंडली में जिस भाव में स्थित हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड आपको सावधान रहना चाहिए
वध जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट उन भावों के कारक तत्वों से रिलेटेड या फिर उन भावों के कारक तत्वों को प्राप्त होगा, अतः आपको सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के नक्षत्रों के आधार पर मैंने तारा चक्र का फल आपको बतलाया। अब इस 9 तारा में से 4 तारा अशुभ फल प्रदान करते हैं। एक है जन्म तारा जो कि राहु के नक्षत्रों के लिए है, दूसरा है विपत तारा जो कि चंद्रमा के नक्षत्रों वाले जातक के लिए है, तीसरा है प्रत्यरी तारा जो कि शुक्र के नक्षत्र वाले जातक के लिए है, और चौथा है वध तारा जो कि बुध के नक्षत्र वाले जातक के लिए है। शास्त्रों में इन तारा चक्र के निमित्त कुछ विशेष उपाय बतलाए गए हैं जो आपको करना चाहिए, और उस उपाय को करने से आपकी उस तारा की शांति होती है तथा उसके बनने वाले अशुभ फल प्राप्त नहीं होते या फिर उस फल का रूपांतर हो जाता है। शास्त्रों में इसके अनेक उपाय बतलाए गए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा उपाय बतलाता हूँ जो आपके लिए सरल हो और जो आप कर सकें, और वह है दान का उपाय। वैसे तो इसके निमित्त कई सारे कर्मकांड, कई सारे दान खंडन और शांति विधान मंत्र जब भी बतलाया गया है, लेकिन मैं आपको एक सरल विधान बतलाऊंगा। यदि आपके लिए बृहस्पति ग्रह जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं जो कि राहु के नक्षत्रों वाले जातक के लिए है, तो आपको सद्भिषा नक्षत्र वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, साथ में कुछ दक्षिणा का भी दान करें। उसी प्रकार यदि आपके लिए बृहस्पति ग्रह विपत तारा में गोचर किए हैं जो कि चंद्रमा के नक्षत्र वाले जातक के लिए है, तो फिर आपको सद्भिषा नक्षत्र वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को गुड़ और दक्षिणा दान में दें। उसी प्रकार यदि बृहस्पति ग्रह आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र के नक्षत्र वाले जातक के लिए है, तो फिर आपको सद्भिषा नक्षत्र वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को 2-3 प्रकार के नमक का दान करें, साथ में कुछ दक्षिणा भी दान में दें। और यदि बृहस्पति ग्रह आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं जो कि सर्वाधिक अशुभ तारा है, और बुध के नक्षत्र वाले जातक के लिए वध तारा में गोचर करते हैं बृहस्पति, तो फिर आपको सद्भिषा नक्षत्र वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को थोड़ा सा सोना अर्थात स्वर्ण और साथ में काला तिल और कुछ दक्षिणा दान में दें। इन उपायों को करने से, इस दान वाले उपाय को करने से तारा चक्र का दोष नहीं लगता है तथा किसी भी ग्रह के गोचर की शुद्धि की जा सकती है, क्योंकि यह सबसे आंतरिक उपाय है किसी भी गोचर का। तो दोस्तों यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण बृहस्पति ग्रह का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर तथा आपके जन्म के नक्षत्र के आधार पर इसके तारा चक्र का फल। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, यदि आप किसी भी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपके कुछ और प्रश्न हैं, यदि आपको वीडियो से रिगार्डिंग कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और आपका पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर है, तो फिर आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।